गाइस, इट्स अफ्तर रहीम और आज हम आ गए हैं नींबू पार्क, जिसका नाम है नींबू। बहुत अजीब सा है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं और देखो हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ के टिकट के प्राइस 10 रुपीज़ हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं। और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं ना, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो यहाँ पे। और कितने अच्छे से प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे रोज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ की। देखो कितना प्रिटी रोज़ है ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने तो बहुत इन्जॉय करा यहाँ पे, ये देखो मैं सनसेट के मज़े लेते हुए और कुछ पोज। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ सारे उस साइड पे जहाँ पे सब झूले लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे हर तरीके के झूले हैं। और ये जो है यहाँ पे मैं झूला झूल रही थी, फिर ये देखो यहाँ पे मैं अपनी छोटू सी सिस्टर को लेके झूला झूल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को, ये देखो। और यहाँ पे मैं झूला झूल रही हूँ, ये देखो, बहुत मज़ा करा मैंने। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करो, बहुत अच्छी पार्क है। और फिर यहाँ पे धीरे धीरे मैं झूला झूल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर यहाँ पे ये मेरा फेवरेट मतलब है एक तरीके से, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ मैं एक बार तो ज़रूर ही आती हूँ यहाँ पे। ऐसे ही मैं बुद्धा पार्क में भी जाती हूँ तो ज़रूर विज़िट करती हूँ इस साइड को। फिर यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू है, और देखो यहाँ पे मैं मस्ती करते हुए पोज मार रही हूँ। और ये देखो, फिर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से रूमी गेट भी दिखाई दे रहा है जो नींबू पार्क के बैक साइड में है। दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट और आसिफी मस्जिद बनवाई जो हमारे लखनऊ की शान बढ़ाती है। यहाँ पर जो भूल भुलैया में मस्जिद बनी है उसका बैक साइड भी नज़र आ रहा है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको आसिफी मस्जिद बोलते हैं। यहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। साल पहले यहाँ पर फाउंटेन लगाए गए थे जो बहुत ही कॉस्टली थे, जो अब यहाँ नहीं है। जब यहाँ फाउंटेन चलते होंगे तो कितना खूबसूरत लगता होगा। अब उस थिंकिंग की मैं वहाँ होती उस टाइम पे तो कितना अच्छा लगता। और फिर देखो जब हम लोग जाने लगे था तो शाम में ये देखो लाइटिंग्स लगी हुई थी, पूरा लाइटिंग का सिस्टम था। एंड मैं, मुझे बचपन से लाइटिंग बहुत पसंद है, आई रियली लव इट। और अगर मैं यहाँ अभी इस टाइम आई होती तो मैं और ज़्यादा टाइम स्पेंड करती और ब्यूटीफुल शॉट्स लेती आप लोगों के लिए। और फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नींबू पार्क प्लाजा 2, इसके बारे में लिखा हुआ है। और ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।